नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग परिसर का उद्घाटन किया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की गई, जिसके चलते कई लोगों ने स्मारक को अपमान में बदलने के लिए सरकार की आलोचना की। भीषण हिंसा में अपनी जान गंवाने वालों के लिए एक शोकपूर्ण स्मारक के बजाय लोगों का कहना है कि सरकार ने स्मारक को एक आकर्षण स्थल में बदल दिया है जो इतिहास को गंभीरता से नहीं लेता है। 13 अप्रैल 1919 को रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मर गए थे। अमृतसर में ये स्थल उन लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। अब सरकार ने उस स्मारक के कुछ हिस्सों को नया रूप दे दिया है और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर की तो कई इतिहासकारों, राजनेताओं और अन्य लोगों ने सरकार की आलोचना की। एक इतिहासकारी इरफान हबीब ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि इस स्मारक का व्यवसायीकरण है, जहां वे विरासत मूल्यों को खोते हुए आधुनिक संरचनाओं के रूप में स्थापित होते हैं। इन स्मारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधि के स्वाद के साथ हस्तक्षेप किए बिना उनकी देखभाल करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर चमनलाल ने द हिंदू को बयान देते हुए कहा कि जलियांवाला बाग जाने वाले लोगों को दर्द और पीड़ा की भावना के साथ जाना चाहिए। उन्होंने अब इसे एक खूबसूरत बगीचे के साथ आनंद लेने की जगह में तब्दील कर दिया है। ये एक सुंदर बगीचा नहीं था। लंदन में इतिहास के प्रोफेसर और अमृतसर 1919 एन एम्पायर ऑफ फियर एंड द मेकिंग ऑफ अ मैसेकेयर के लेखक किम ए वैगनर ने ट्वीट किया कि नवीनीकरण का अर्थ है कि घटना के अंतिम निशान प्रभावी रूप से मिटा दिए गए हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी और सीताराम येचुरी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे शहीदों का अपमान बताया है। येचुरी ने कहा, केवल वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहे हैं इस तरह की बदनामी कर सकते हैं। मैं एक शहीद का बेटा हूं, मैं किसी भी कीमत पर शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये गांधी ने कहा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।